नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। रोहतास के विक्रमगंज में माँ अस्कामनी मंदिर के प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन। नमस्कार, खबर रोहतास से। विक्रमगंज माँ अस्कामनी मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् शिव पुराण कथा एवं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ऐतिहासिक माँ अस्कामनी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी देखने को मिली। माँ अस्कामनी के दर्शन और आशीर्वाद लेने काराकाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश्वर राज भी नजर आए। इसके अलावा संझौली गर्ल स्कूल के दीपक सर और विनेदिया स्कूल के शिक्षक भी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे। तो आइए देखते हैं पूरी खबर रोहतास से। अच्छा बच्चन के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आर भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ आपका साथी अभिषेक कुमार। और हम अभी यहां पे मौजूद हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज में माँ अस्कामनी मंदिर के प्रांगण में। और ये जो अस्कामनी मंदिर है, जो कि इनके बारे में लोग भली भांति जानते हैं और बहुत सारी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं कि माँ अस्कामनी इनकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी और उनके लिए उनका सारा दुख दर्द खुद में समेट लेंगी और उनका अपने भक्त होने के नाते उनका ख्याल रखेंगी। तो यहाँ पे आज माँ अस्कामनी का माँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पे कि बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं और ना जाने कितने हजारों और लाखों की संख्या में लोग आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने की कामना लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि सुबह से ही यहाँ पे प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में अपना तन मन और धन लगाए हुए हैं और प्रसाद वितरण को लेकर के काफ़ी वो जागरूक दिख रहे हैं। और अपने साथ ही ये इन लोगों का, दर्शनार्थियों का भी अच्छा खासा ध्यान रख रहे हैं और ख्याल भी रख रहे हैं कि कोई भी दर्शनार्थी बिना प्रसाद ग्रहण किए यहाँ से वापिस न जाए। तो आइए हम यहाँ पे, हालांकि देखा जा सकता है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे कुछ बात करें और यहाँ के बारे में जानें। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे पिछले सालों में कोरोना को लेकर के ये बंद था, लेकिन इस बार का क्या हाल? इस बार हमको लगता है कि माँ हर पब्लिक के, हर विक्रमगंज के जनता के सपने में आई हैं और बोली हैं कि भक्तजन कल मेरा भंडारा है, कल आ जाना। हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना भीड़ होगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक भीड़ है। हमको लगता है माँ सपने में सबको आके बोली है कि बेटा कल भंडारा है, आ जाना। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के व्यवस्था आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया या फिर उसमें कुछ कमी रह गई है? कमी तो रह जाएगा, माँ का भंडारा का 100% तो कर नहीं सकती है, लेकिन माँ है सब फुलफिल वही कर रही हैं। हम लोग तो बस लगे हुए हैं, माँ सक्सेस कर रही हैं इसको और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है, तो इस बार प्रचार प्रसार करने का ना करने का क्या रीज़न रहा? इस बार हम लोग प्रचार इसलिए नहीं किए थे कि थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि स्टीमिट कम लेके चलें, चूँकि मंदिर परागण छोटा है उसमें होगा। प्रचार न होने के बावजूद भी इतना भीड़ अमेजिंग है, लेकिन माँ का दरबार है, भीड़ पता नहीं चला। 11 बजे से स्टार्ट है, 7 बजने को है, लगभग 30,000 से 40,000 लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। अभी लगता है कि 11 बजे तक चलेगा, 10,000 लोग और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये तो अपने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोला जाए अगर तो, जैसा कि यहाँ के एक सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ श्री राजकुमार जी थे, जो कि ये बता रहे थे कि इसके लिए और ये भंडारा और प्रसाद ग्रहण के लिए किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस साल उम्मीद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। और इनका यही कहना था कि शायद माँ अस्कामनी ने सबको ये समय दिया और ये वक्त दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि वो आकर उनका प्रसाद ग्रहण करें।
देखिए जो शहर है माँ अष्टावनी का शहर हम मानते हैं और इस शहर की माँ अष्टावनी की कृपा है और यहाँ जो माँ अष्टावनी की कमेटी चाहे हमारे श्रद्धेय विभाग गया शहर में हो हमारे कुंभ के नगर पार्षद भाई पार्षद जी हो या शाम में तमाम ये कमेटी मिलकर लगा माँ का ये स्वरूप हमारी कृपा से बना है और प्रत्येक वर्ष माँ का स्थापना दिवस 21 मार्च से 28 मार्च तक यहाँ होता है और उनके यहाँ कुछ आचार्य श्री के द्वारा सिख वहाँ कितना एक सप्ताह तक उन्होंने शुरू किया शहर के गाँव वहाँ बनाए और सभी लोगों ने शुरू और आज भंडारा के रूप में यहाँ पुलिस साहब लाखों की संख्या में सुबह 11 बजे से माँ का प्रसाद जानते आज हम लोग भी इस माँ का और स्थापना दिवस का भंडारा करते हैं हम लोग भी यहाँ माँ का नाम निर्मित करते हैं और हमारा भारत विश्व गुरु बने विश्व में शांति का संदेश जो भारत दे रहा है विश्व शांति को आगे अग्रसर हो और भारत माँ भारती हमारे विश्व गुरु के विश्व में बैठे अरुण हो विक्रम सहित पूरा हमारा बिहार विकास के रास्ते पर आगे चले समरसता स्वभाव हो एकता हो इसी उद्देश्य के साथ हम माँ के चरणों में प्रणाम निवेदन करने आए हैं और हम यहाँ की कमेटी को हृदय से साधुवाद देते हैं जो प्रत्येक वर्ष बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजित करती है और माँ का उत्सव एक जलसे के साथ शहर के लोग मनाते हैं। सर जैसे पिछले कोरोना के चलते ये कार्यक्रम मतलब नहीं हो पाया तो इस बार का कार्यक्रम देखिए जो कोरोना काल था लोगों ने काफी संयम था हम भारत के लोग बिल्कुल अनुशासित हैं और लोगों ने विक्रमगंज का भी परिचय दिया मुझे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी फैली विक्रम को लोगों ने संयमित होकर माँ की हम लोगों ने आराधना किया फिर कंट्रोल नहीं किया तो कोरोना का गाइडलाइन था समिति ही नहीं शहर के लोगों ने इसका पालन करते हुए कार्यक्रम को स्थगित किया गया न कि माँ की स्थापना दिवस माँ की पूजा अर्चना होती रही माँ की आराधना होती रही हम लोग फिर अपने करने का संस्कृति काम और इस वर्ष दो साल के बाद अब जी हमारा नाम दीपक सिंह हुआ अच्छा कहाँ से है सर हम तो धारूपुर विक्रमगंज से रहने वाले हैं धारूपुर विक्रमगंज से ये माँ के मंदिर में रोज आप लोग आते हैं और आज आने में कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है आज माँ के नवीन मंदिर का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाता है प्रत्येक साल और यहाँ के सभी श्रद्धालुओं की माता में अटूट आस्था है और जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं और जो मन से यहाँ से जुड़े हुए हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं क्योंकि इनका नाम ही है आसकामनी माता और ये बड़े फख्र की बात है और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी मीडिया बंधुओं का जो माता के इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं और यहाँ की अच्छाइयों को यहाँ की जो भी नई व्यवस्थाएं हो रही हैं नए कार्य हो रहे हैं उस पर आप लोग सारे समाज को देश दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं इसके लिए आपका साधुवाद है बच्चन साहब सर कोरोना काल के लेकर के यहाँ पर अगला बार यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं हो पाई थी जी जी। लेकिन अब की बार हो रही है तो क्या उम्मीद लग रहा है कि इस देश से कोरोना हरदम के लिए मिट चुका है बिल्कुल माता की बहुत असीम महिमा है और बिल्कुल कोरोना इस देश से क्या पूरी दुनिया से चला जाएगा इसमें कोई शक नहीं है हमारे शहर के किसी भी बंधु बांधव के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है मेरे संज्ञान में और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी मैं ये कह रहा हूँ माता के दरबार में ये ऐसा ही है हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ उठी लोगों ने कहा कि यहाँ काशी घाट पे एक ऐसे पेशेंट जो कोरोना के थे जिन्हें जलाया गया जला छोड़ा गया स्वास्थ्य विभाग की क्या खामियाँ थी उस पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस आसपास के किसी भी मोहल्ले में किसी भी शहर में या गांव में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली इस पे हम सभी माता के शुक्रगुजार हैं उनकी आस्था उनकी कृपा का ये परिणाम है साहब और आगे भी ये बना रहेगा कोरोना हमारे देश से सर्वथा के लिए जाए चलिए माँ आसकामनी सब पे अपना दया बरसा रहे जय माँ आसकामनी जय माँ आसकामनी धन्यवाद Thank you.
ये माँ अष्टकामिनी मंदिर का प्रांगण, और ये यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि आते ही मन जो है वो भक्तिमय हो जाता है, और यहाँ पे आने के साथ ही ये हमारे सामने में ये जो हवन कुंड है इसकी काफ़ी महत्ता है हमारे दैनिक जीवन में या फिर यहाँ के दर्शनार्थियों के लिए। ये यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करते हैं, और इस जो हवन कुंड है इसमें उपजे राख को, जिसको कि हम भभूत कह सकते हैं, इसको लेकर लोग अपने घर में जाते हैं और अपने कष्ट के निवारण हेतु इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे दान पेटी के रूप में आज विशेषकर एक अलग से दान पेटी बनाया गया है, और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो यहाँ पे अपने सहयोग के लिए और यहाँ के लोगों के प्रसाद वितरण में सहयोग के लिए अपने स्वेच्छानुसार कुछ भी दान वितरण जरूर कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके बारे में। ये मैडम यहाँ पे क्या लगभग आज ये जो दान पेटी है क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? इसमें बहुत सारा लोग दान पेटी कर चुके हैं दान। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है कि लोग अपने स्वेच्छानुसार लाकर यहाँ पे दान कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ बताया जा रहा है कि हाँ भैया आप अगर प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं तो आपको दान देना भी जरूरी है? नहीं, वो सक्षम से अपना डाल रहे हैं दान पेटी। जैसा कि ये मैडम यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे दान लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और स्वेच्छा से दे रहे हैं। हालांकि ये और भी जानना जरूरी है कि क्या सारे लोग लगभग वो दान दे रहे हैं या फिर केवल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो मैडम लगभग जितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपने प्रसाद ग्रहण के लिए, क्या उसके अनुपात में लोग कितना दान कर रहे हैं? लगभग वही आपका जो अपना इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं, अपना जो उनका शक्ति है उतना भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैडम का यही कहना है कि लोग अपने स्वेच्छा अनुसार दान कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु माँ अष्टकामिनी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके लिए मैं आर भारत चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं दूसरी बार अष्टकामिनी माई के भंडारे में शामिल हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सर यहाँ पर आने के बाद में जो दिल को तसल्ली मिलती है कैसा लगता है? सर आने के बाद लगता है कि भक्तों के अंदर बहुत ही बड़ा उल्लास है, और माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहे ये हम लोग मतलब माँ से प्रार्थना करते हैं, और सभी भक्त यहाँ से अच्छे से जाएं और फिर अगले साल ऐसा ही धूमधाम से मतलब मनता रहे, माँ की कृपा बनी रहे, यही सब भक्तों की आशीर्वाद है, माँ से मतलब इच्छा है, भक्त यही मान रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना काल के लेकर के यहाँ पर अगला बार ऐसा भीड़ नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार जो भी भक्त थे जो भी श्रद्धालु थे काफी भीड़ में यहाँ जुटे हुए हैं, और माँ के दर्शन के लिए आज यहाँ स्थापना दिवस है, इसलिए दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत काफी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर भोज भी चल रही है, बगल में प्रसाद के रूप में लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी, जहाँ मैं जिला रिपोर्टर अक्षय पटेल रिपोर्टर एंड चीफ आर के सिंह के साथ रोहतास से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर फोटो भेज देंगे, अभी भेज दें। ये बता दें प्रसाद ग्रहण कर लिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल आर भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यूज़ से आप रूबरू हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मिलेंगे अगले खबर में। धन्यवाद।